मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर अशिफा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके असल बनाने का मकसद किसने बनाया बताता हूँ मैं आपको कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा ये हॉस्पिटल बनाया गया था, और इसलिए ताकि मुस्लिम तबके के लोगों को इलाज के लिए पूरी फैसिलिटी मिले। लेकिन उसके बाद बीच में जो कुछ भी रहे, लेकिन आज के डेट में पूरी हॉस्पिटल बनकर तैयार है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हर डिपार्ट के पेशेंट आते हैं, तो ख़ास तौर से जो मुसलमान के अंदर या यूं कहें जो आइम्मे हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, उनके लिए पूरी फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में दी गई है। जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर की टीम्स हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अदर हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस है, आपने कितनी मतलब फैसिलिटी दी है और क्या क्या फैसिलिटी दी है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद फैजान हुसैन है। फैजान हुसैन साहब, आप यहाँ के डायरेक्टर? जी। ये जो आपने ओलमा को फैसिलिटी दी है, जी, इसके पीछे क्या बात है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये मौका दिया और एक इदारा दिया। जी। तो हम ये समझते हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि जी, ये जो हमारे उलमा इकराम हैं यहाँ पर तशरीफ लाए और हम इनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। जी। और ये खिदमत का जो हमारी नीयत से लेके हम चले हैं, इस हॉस्पिटल को शुरू करने की हमारी नीयत ये है कि आज कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जो है वो इंसानियत की एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन जाएगी, तो हम क्यों ना एक मुनासिब कीमत में लोगों को अच्छा इलाज दें। तो जब ये शुरू किया तो आज हम ये देखते हैं कि हमारे उलमा को भी बड़ी ज़रूरत है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उनसे ये शुरुआत की जाए। इतनी महंगाई में आज लोग परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की चीज़ों से, लेकिन आपने दवाई फ्री कर दी, ओपीडी में डिस्काउंट है, बहुत सारी फैसिलिटी दी है। जी, तो ये माइंड में कहाँ से आया? जी, इतना बड़ा इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स जुड़े हैं। जी। और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी एथिकल नियत रखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, तो हमने यही सोच के ओपीडी को भी फ्री किया। और मेडिसिन, क्योंकि जाहिर सी बात है ओपीडी अगर हो जाए और मेडिसिन ना मिले तो भी उसे कोई फायदा नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम मेडिसिन भी दें। और उसके साथ साथ हमने सोचा कि पैथोलॉजी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई टेस्ट अगर डॉक्टर लिखता है और वो टेस्ट इतना महंगा होता है कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमने वो भी पैथलैब वाले से जो बात करी हमने कि 50% फ्लैट ऑलमोस्ट हर टेस्ट के ऊपर हमने 50% जो है वो रखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करके कि जो लोग यहाँ आए वो मुकम्मल फ़ायदा उठा के जाएं, और जो हमारे हॉस्पिटल का नाम है कि शिफा, जी, वो वहाँ से शिफा हासिल करके जाएं अल्लाह के ऊपर। बोर्ड के अंदर लिखा है हुए फिजा कम्युनिटी किचन, तो इसके अंदर उन्होंने ऑफर किया है, एक संस्था है भोपाल के अंदर एनजीओ की तरफ, कि उलमा हजरात के लिए कि 18 मार्च तक मेडिसिन में, ओपीडी के अंदर या अदर चार्ज में बहुत डिस्काउंट दिया गया है। इन्हीं के द्वारा पूरे शहर के अंदर इन्होंने इत्तला की है कि हम आपकी इलाज करेंगे। हमारे साथ, जी सर, आपका नाम? मुफ्ती नईम अहमद। नईम साहब, इत्तला मिली होगी इन्हीं संस्था द्वारा जी। तो कितनी फीस तक यहाँ पर गुंजाइश रखी लोगों ने? अभी इसके बारे में कुछ तफसीलात नहीं मालूम है जी, कितनी फीस रखी गई है। अभी तो ये मालूम है कि फ्री मेडिकल चेकअप है। फ्री मेडिकल चेकअप है जी। तो शहर में ऐसा कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि इमामों के लिए जी और उलमा के लिए ये सोचा गया कि उनके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा सहूलत पैदा की जाए और उनकी खिदमत की जाए। अगर ये पहल बहुत अच्छी है और इसके लिए तो हम लोग जो है सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने ये पहल की है और बड़ी अच्छी खिदमत है, क्योंकि उलमा के एतबार से बहुत कम सोचा जाता है अइमा के एतबार से, बावजूद इसके कि वो किस तरह खिदमत करते हैं ये सबको मालूम है, तो इनकी खिदमत करना ये असल दीन की खिदमत है। हाफिज मोहम्मद जुबैर। किस मस्जिद, किस कहाँ पे इमाम है आप? मैं नवाब कॉलोनी से आया हूँ। नवाब कॉलोनी से। अच्छा, इससे पहले आपने जो इलाज करवाया था या आज यहाँ कराया आपने, कितना डिफरेंस है दोनों जगहों पे? काफी डिफरेंस है। यहाँ पर जो जांचें वगैरह हैं जी, जो ओपीडी है उसमें 50% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 50% डिस्काउंट दे रहा इस वक्त जी, तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और इस बात की खुशी भी है कि भोपाल शहर के इमाम व मौज़िनीन के लिए इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया, इसके लिए हम लोग तहे दिल से उनको
का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको तरक्कियात से नवाजे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। वसीम साहब किस मस्जिद के इमाम हैं? ये सईदिया मस्जिद। सईदिया मस्जिद ओबीडी द्वारा आपने इलाज करवाया जी, है ना? तो जो इत्तला मिली थी या बताया गया था यहाँ डिस्काउंट है उलमा के लिए, आपको मिला? जी मिल गया। किस तरह का डिस्काउंट मिला, किस किस डिपार्टमेंट में? अभी जैसे थायराइड का जांच करवाए जी, जी लिया का, उनमें 500 रुपए फीस है, इसमें 250 रुपए दिए गए। अच्छा, मतलब 50% जी। और किसे मिला? और अब दवाई वगैरह जो लिया उसमें तभी जांच नहीं हुई है। जांच नहीं हुई है, अब कल के बाद ही मालूम होगा जांच क्या आती है जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा, संतुष्ट है आप यहाँ आके? जी खुशी। बदर हॉस्पिटल से जी, बागिंदौली मस्जिद से आए जी। मोहम्मद फारूक। फारूक साहब क्या इत्तला मिली थी आपको कि हाँ मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है? जी हाँ, यही इत्तला मिली थी हमें जी, डिस्काउंट की जी जी जी। जांच वगैरह में आज डिस्काउंट होगा, इलाज में डिस्काउंट वगैरह होगा। ओपीडी से? जी हाँ ओपीडी से। तो ये इत्तला आपको कैसे मिली? फोन करा था हमने। अच्छा, फोन करा था जी। आप कहाँ के इमाम हैं? जी मस्जिदुर रहमान इस्लामपुरे। इस्लामपुरे के जी। तो अच्छा, भोपाल शहर में बहुत से हॉस्पिटल हैं लेकिन आपने इसको चुना, कुछ कारण तो होगा ना? जी कई हॉस्पिटल हमारा जाना हुआ, तकरीबन आज 9-10 साल से मैं हॉस्पिटल बहुत चक्कर लगाया हूँ जी जी। लेकिन जिस तरीके से बात इन्होंने बताई कैसी ऐसी बात है, हमारे यहाँ फैसिलिटी दी जाएगी इस तरीके जो भी इमाम मौजूद होगी जी जी। तो इसी के उम्मीद से, इसी कहने वजह से मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे क्या है नहीं है। आज इसी वजह पहली बार आना हुआ हमारा यहाँ पे, और देखते हैं क्या है नहीं है, इसी उम्मीद से आए कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट है। डिस्काउंट है जी जी, इसी वजह से आना हुआ यहाँ पे हमारा। यकीन अशिफा हॉस्पिटल के अंदर दवा मेडिसिन फ्री दी जाती है और भी उधर डिपार्ट के अंदर भारी डिस्काउंट है। और ये सिर्फ 18 मार्च तक कोरोना के लिए रखा गया है, कोरोना की फैमिली के रखा गया है। और इस महंगाई में इन्हें जो ऑफर दी है ये काबिले तारीफ है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं एमएस अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।